भाई जुट चुके हैं प्रमोद जी और राजू जी जुटे हैं तो तंदूरी पर, और देखते हैं तंदूरी को अंगूरी बनाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और प्रमोद जी, अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सामने प्लेट में चिकन दो प्याजा और साथ में लगी हुई है तंदूरी रोटी। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है, चिकन दो प्याजा और तंदूरी रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर चिकन दो प्याजा और तंदूरी रोटी लगी हुई है। आज हमारा चिकन दो प्याजा तंदूरी रोटी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में प्रमोद जी और राजू जी दो चैलेंजर बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 1050 रुपए की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ चिकन दो प्याजा और तंदूरी रोटी का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस चैलेंज में दो महारथी आ चुके हैं एकदम बहुत गजब के मुस्कुराते हुए। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 1050 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाता है। तो देर न करते हुए इनके लिए टाइमर को चालू कर दिया जाए और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है। दोनों लोग पहले लेग पीस पे ही जुट चुके हैं, प्रमोद जी और राजू जी जुटे हैं तो तंदूरी पर, और तंदूरी को अंगूरी बनाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और प्रमोद जी जब तक सोच रहे चिकन लेग पीस खाए तब तक बात गजब। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तंदूरी रोटी में लग गए थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते हैं इस साहस को कितना बरकरार रखते हैं, और जहां पर हड्डी होगी वहां कबड्डी तो होगी होगी। तो थोड़ा सा कबड्डी भी यहां पर छिड़ गई थी और इन लोगों का चैलेंज भी चल रहा है। तो देखते हैं इस हौसले में कितना आगे जाते हैं लोग। बहुत ही मस्त तरीके से इस समय प्रमोद जी का चेहरा देखते बन रहा है। ये वन बाइट एकदम लगातार अपने मुंह में डाल रहे हैं और पूरा का पूरा मुंह फूल गया है इनके बाइट से। और राजू भी पीछे नहीं है, वो भी पूरी तरह से प्रमोद को पीछे करने में लगे हुए हैं। तो देखना है कि मंजिल पर सबसे पहले कौन पहुंचते हैं, प्रमोद या फिर राजू। राजू प्रमोद को हराते हैं या फिर प्रमोद राजू को, या फिर राजू प्रमोद को। जो जीतेगा वही 1050 रुपए का नगद पुरस्कार लेकर जाएगा। और नगद पुरस्कार लेने के लिए दोनों लोग बहुत गजब की मेहनत कर रहे हैं और इस तंदूरी को अंगूरी बनाने में लगे हुए हैं। तो देखते हैं पांच तंदूरी और चिकन लेग पीस कौन सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। बहुत गजब, और जो साहस चाहिए था वो साहस लगा चुके हैं दोनों चैलेंजर। और दोनों चैलेंजर इस समय रेस में बहुत तेजी से भाग रहे हैं मंजिल की ओर। और देखना है मंजिल पर सबसे पहले पहुंचता कौन है और मंजिल पर पहुंचकर विजय घोषित कौन करवाता है, अपना नाम कौन लिखाता है इस चैलेंज में विजेता के रूप में। और एक मिनट अभी 45 सेकंड हुआ है और इन लोगों की स्पीड काफी एक्स्ट्रा है और काफी तगड़े फॉर्म में चल रहा है। हमको लग रहा है 5 मिनट के अंदर ही इस चिकन दो प्याजा और तंदूरी रोटी को ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बढ़िया, और जो साहस लगाए यही साहस अगर बरकरार रखेंगे तभी इस चैलेंज में विन कर पाएंगे, नहीं तो चैलेंज में पीछे ही रह जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखते ही देखते राजू बहुत बना चुके हैं और इस बहुत के साथ बहुत ही गजब के बहुत बनाए हैं चिकन लेग पीस में भी और तंदूरी में भी। और इसका असर प्रमोद जी के ऊपर पड़ रहा है और अपना जो चैलेंज है उसको स्पीड दे चुके हैं, गति दे चुके हैं तेजी से। तो देखना है राजू को पीछे कर पाते हैं या खुद राजू से पीछे रहते हैं। राजू क्या कमाल करते हैं इस चैलेंज में और प्रमोद क्या कमाल करते हैं इस चैलेंज में। और राजू जी तंदूरी रोटी में बढ़त बनाए तो प्रमोद जी चिकन लेग पीस को और चिकन को बिल्कुल कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। मतलब जो ब्रेकर है उस ब्रेकर को पहले हटाना चाह रहे हैं प्रमोद जी, और यही बहुत बुद्धिमानी वाला खेल होता है कि जो ब्रेकर हो उस ब्रेकर को सबसे पहले हटा दिया जाए। अगर ब्रेकर हट जाएगा तो समझ के चलिए चैलेंज बहुत अच्छी तरह से आसानी से जीत सकते हैं। और प्रमोद जी ज्यादा स्वाद लेने में बिजी हैं और उस चक्कर में हमको लग रहा है स्वाद ही लेते रह जाएंगे और राजू जी बाजी मार जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और इस समय राजू देखते ही देखते पूरा सलाद और चिकन लेग पीस जो है बहुत गजब तरीके से हड्डी से अलग कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम जब तक मुंह में डालकर अलग करेंगे तब उससे पहले हम हाथ से ही अलग कर देते हैं। और यहाँ पर प्रमोद भी अपना पूरा साहस लगा चुके हैं राजू को पीछे करने के लिए। तो देखना है किसकी हिम्मत, किसका साहस, किसका किसका साथ देता है। बहुत गजब तरीके से दोनों लोग इस समय बहुत बनाए हुए हैं और दोनों ही चैलेंजर फुल फॉर्म में हैं और फुल साहस लगा के बैठे हैं। तो देखते हैं इस साहस को कितना बरकरार रखते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करके इनाम की राशि लेकर के जाते हैं। और बहुत मुस्कुराते हुए राजू देख रहे हैं प्रमोद की थाली में और प्रमोद को देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्रमोद को हम पीछे किए हैं दो तंदूरी से, लेकिन ये भूल गए हैं कि इनके जो थाली में लेग पीस है उससे ये पीछे है। और
तंदूरी से प्रमोद पीछे हैं, तो देखना है कि कौन किससे पीछे होकर, कौन किससे आगे होकर जीत हासिल करता है, कौन किससे पीछे होकर हार स्वीकार करता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और इन लोगों को उत्साह के लिए थोड़ा सा बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत ही गजब, और जो चाहिए था स्पीड, राजू उस स्पीड को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं और इसी का फायदा उठाना चाह रहे हैं प्रमोद जी। अगर राजू जी अपनी स्पीड, अपनी गति को स्लो कर देंगे तो समझ के चलिए अपने चैलेंज को अपने हाथ से निकाल देंगे। तो और चिकन दो प्याज अब करीब करीब ये लोग उड़ा चुके हैं और तंदूर रोटी में ही सिर्फ फंसे हुए हैं, और तंदूर रोटी को उड़ाते ही ये लोग विन कर जाएंगे। बहुत गजब, और राजू जी पूरी तरह से ब्रेकर को एकदम खाली कर लिए, हिला चुके हैं ईंट को ईंट से, तो देखना है कि अब क्या कमाल करते हैं प्रमोद और क्या कमाल करते हैं राजू। बहुत गजब तरीके से राजू चिकन और तंदूरी को राजू जी उड़ाने लगे हैं। तो राजू जी आज जो फॉर्म लगाए हैं बहुत बढ़िया लगाए हैं, और हमको लग रहा है 100% आज राजू जी विन कर जाएंगे, प्रमोद जी देखते ही रह जाएंगे। और देखते ही देखते राजू जी लगभग काफी हद तक का बढ़त बना चुके हैं, और यही बढ़त इनको जीत दिलाने वाली है। लेकिन प्रमोद भी अभी कम नहीं है, लगभग हो सकता है कि प्रमोद राजू को पीछे कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड की आवश्यकता है, और उस स्पीड को अगर लगा देंगे तो राजू पीछे हो जाएंगे। लेकिन उस स्पीड को पीछे करने के लिए राजू भी कमर कस लिए हैं, हाथ में उठा लिए हैं गिलास, सोच रहे हैं कि देखते हैं क्या कमाल हो सकता है, जो भी हो सकेगा वो राजू कर सकते हैं। और हमको लग रहा है एक तंदूरी से प्रमोद जी पीछे रह जाएंगे राजू जी से। पीछे नहीं रह जाएंगे, देख लीजिए पूरी तरह से टुकड़े कर लिए हैं इस तंदूरी का, और इस तंदूरी को अंगूरी बनाते ही जीत जाएंगे प्रमोद जी। और यहाँ पर राजू पूरी तरह से पूरा मेहनत पूरा दम लगा दिए है प्रमोद जी को हराने के लिए, लेकिन प्रमोद जी लगभग राजू के बराबर पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही चुके हैं, और राजू बहुत हाई वोल्टेज वाली बाइक मारना चालू कर दिए, पास में आ चुके हैं। लेकिन राजू जी लास्ट बाइट उठा चुके हैं, तो राजू जी को हौसला लगाया, राजू जी का उस हौसले के लिए धन्यवाद करते हैं, और इस चैलेंज को राजू जी विन कर चुके हैं, तो राजू जी को इनाम की राशि कैश देते हैं, और चिकन दो प्याजा तंदूरी रोटी ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और प्रमोद जी थोड़ी सी तंदूरी रोटी से पीछे रह गए, तो राजू जी इस चैलेंज में विन कर चुके हैं, तो इनको इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चिकन दो प्याजा और तंदूरी रोटी खाने के इस चैलेंज में राजू बढ़ते बढ़ते बढ़त बनाकर जीत हासिल कर लिए। पैसा पा गए भैया, पूरा है ना, पूरा है। तो इस चैलेंज में राजू जी साहस दिखाए और विन कर लिए, तो राजू जी का धन्यवाद करते हैं, और इनाम की राशि इनको कैश दे दिए हैं। तो आप लोगों के यह चैलेंज कैसे लगा? बहुत बढ़िया लगा। तो क्या वजह रही प्रमोद जी थोड़ा सा पीछे रह गए? पीस अच्छी लगी, हम लोग पीस फंस गए, ज्यादा स्वाद लेने के चक्कर में स्वाद में डूब गए। और राजू जी आपको बहुत बढ़िया लगा, और चिकन दो प्याजा ज्यादा तीखा तो नहीं था? नहीं नहीं, तब बढ़िया था। तो ये लोग आए, साहस दिखाए, लोगों का धन्यवाद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।